हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैं हूं श्योम पांडे और आप सभी का जयंता क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस एम्स के एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और हमारे चैनल पर वीडियोज़ देखते रहें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ ऑनलाइन ही देखो, एक बार देखने के बाद फिर डाउनलोड कर लेना। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एपोमिक्सिस, ऑप्शन बी फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड ऑप्शन डी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यह क्वेश्चन 1997 में पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इट मीन्स इट इज ओनली इंक्लूड्स ए माइटोसिस आर माइटोटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर टू, पॉलिनेशन बाय स्नेल एंड स्लग इज कॉल्ड एज। स्नेल और स्लग के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंटोमोफाइलस, ऑप्शन बी मलेकोफाइलस, ऑप्शन सी और ऑर्निथोफाइलस एंड ऑप्शन डी कायरोप्टेरोफाइलस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मलेकोफाइलस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मलेकोफाइलस। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट इज कायरेप्टेरोफिली एंड पॉलिनेशन बाय मोलस्क इज कॉल्ड मलेकोफिली एंड स्नो एंड स्लग्स आर स्नेल एंड स्लग्स आर मोलस्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन एंजियो स्पर्म द इंड्यूस स्पर्म इज। एंजियो स्पर्म के अंदर इंडो स्पर्म कैसा होता है? ऑप्शन ए डिप्लॉयड, ऑप्शन बी ट्रिप्लॉयड, ऑप्शन सी हैप्लॉयड एंड ऑप्शन डी पॉलीप्लॉयड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रिप्लॉयड, बिकॉज इंडो स्पर्म इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, मेल गैमिट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस। मेल गैमिट एन होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है, तो जाके प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस 3n बनता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियो स्पर्म इज। एंजियो स्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? ऑप्शन ए 7 सेल्ड, ऑप्शन बी 8 सेल्ड, ऑप्शन सी 11 सेल्ड एंड ऑप्शन डी 5 सेल्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 7 सेल्ड। क्वेश्चन नंबर फाइव, एनिमोफाइलस फ्लावर्स है। एनिमोफाइलस जो फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है? ऑप्शन ए सेसिल स्टिग्मा, ऑप्शन बी स्मॉल स्मूथ स्टिग्मा, ऑप्शन सी कलर्ड एंड सेंटेड फ्लावर्स एंड ऑप्शन डी लार्ज फेदरी स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर फाइव, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एनिमोफाइलस फ्लावर्स है फेदरी स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स एम्ब्रायो इज। एम्ब्रायो की तरफ पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी कीमोटैक्सिस, ऑप्शन सी फोटोटैक्सिस एंड ऑप्शन डी थिग्मोटैक्सिस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कीमोटैक्सिस। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स आर गैमिट्स, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स एंड गैमिट्स आर डिप्लॉयड, ऑप्शन सी गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड एंड ऑप्शन डी स्पोर्ट्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। करेक्ट आंसर है सी गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। यह क्वेश्चन 2000 में आया था। 2000 में एम्स के एग्जाम में दो क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर एट, विच पार्ट ऑफ एम्ब्रायो कम्स आउट फर्स्ट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। एम्ब्रायो का कौन सा पार्ट सीड जर्मिनेशन के दौरान पहले निकलता है? ऑप्शन ए रेडिकल, ऑप्शन बी प्रीम्यूल, ऑप्शन सी हाइपोकोटाइल एंड ऑप्शन डी इपिकोटाइल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेडिकल। द रेडिकल कम्स फर्स्ट सिंस इट ग्रोज टूवर्ड्स द अर्थ। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द रेडिकल कम्स आउट फर्स्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फर्दर मोर इट रिजल्ट इन अ डिफरेंशियल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर नाइन, जेनिया रेफर्स टू। जेनिया का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन एंडोस्पर्म,
ऑप्शन बी इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन स्टेम्स, ऑप्शन सी इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन टेस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड ऑप्शन डी इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन वैस्कुलर टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जेनिया इज द इफेक्ट ऑफ पॉलन जीन्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट आर सीड। क्वेश्चन नंबर 10 प्लॉइडी ऑफ ओवम ऑफ एंजियोस्पर्म इज, ओवम इज एंजियोस्पर्म के जो ओवम होते हैं उनका प्लॉइडी कैसा होता है, ऑप्शन ए है प्लॉइड, ऑप्शन बी डिप्लॉइड, ऑप्शन सी ट्रिप्लॉइड एंड ऑप्शन डी पॉलीप्लॉइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 11 पोलन ग्रेन्स आर एबल टू बी विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड डेसिकेशन बिकॉज दियर एग्जाइन इज कम्पोज्ड ऑफ, जो पोलन होते हैं ढेर सारा मैक्सिमम टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि उनका जो एग्जाइन होता है किससे बना होता है, ऑप्शन ए क्यूटीन, ऑप्शन बी सबरीन, ऑप्शन सी स्पोरोपोलिनिन एंड ऑप्शन डी कैलोस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पोरोपोलिनिन विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस हेल्प्स द पोलन ग्रेन्स टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, इट अवॉइड्स ट्रांसपायरेशन और वाटर लॉस, दिस हार्ड प्रोटीनेशियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एग्जाइन मेक्स इट आल्सो स्पॉइनस इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 12 द पोलन ट्यूब यूजुअली इंटर्स द एम्ब्रायो सैक, पोलन ट्यूब जो होता है सामान्यतः एम्ब्रायो सैक में कहाँ से एंटर करता है, ऑप्शन ए बिटवीन द एक्सियल एंड साइनर्जिड, ऑप्शन बी बाय डायरेक्टली पेनिट्रेटिंग द एग, ऑप्शन सी बिटवीन वन साइनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल एंड ऑप्शन डी बाय नॉकिंग अप द एंटीपोडल सेल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिटवीन द एक्सियल एंड साइनर्जिड। क्वेश्चन नंबर 13 डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय टू मेल गैमेट्स, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन ऑफ टू एग्स इन द सेम एम्ब्रायो सैक बाय टू स्पर्म ब्रॉट बाय वन पोलन ट्यूब, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल बाय टू स्पर्म ब्रॉट बाय डिफरेंट पोलन ट्यूब्स एंड ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल बाय टू स्पर्म्स ब्रॉट बाय द सेम पोलन ट्यूब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड दैट ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस बाई टू डिफरेंट स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इन द सेम पोलन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 14 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ए टू डी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफ द प्रेजेंट डे हेक्साप्लॉइड वीट इज करेक्टली रिप्रेजेंटेटेड, इनमें से किस कॉम्बिनेशन में क्रोमोजोम्स की जो संख्या है हेक्साप्लॉइड वीट का हेक्साप्लॉइड जो है बस सही से रिप्रेजेंट किया गया है, ऑप्शन ए में मोनोसोमिक 21, हैप्लॉइड 28, नोलिसोमिक 42 एंड ट्राइसोमिक 43, ऑप्शन बी में 7, 28, 40, 42, ऑप्शन सी में 21, 7, 42, 43 एंड ऑप्शन डी में 41, 40, 21, 40, 43। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इन, पहले में 21 है मोनोसोमिक, फिर मोनोसोमिक का होता है, फिर दूसरा है 2n-1 42-1 41, नलिसोमिक का 2n-2 42-2 40 एंड ट्राइसोमिक का 2n+1 42+1 43। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 41, 21, 40 एंड 43। क्वेश्चन नंबर 15 एपोमिक्सिस क्या है, ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ सीड्स बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट सिंगेमी एंड मियोसिस, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विद सिंगेमी बट नो मियोसिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट सिंगेमी एंड मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 16 द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अदर इज, पौधे का वह भाग जहाँ पे दो जनरेशंस होते हैं एक दूसरे के अंदर, ऑप्शन ए जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, ऑप्शन बी एम्ब्रायो, ऑप्शन सी अनफर्टिलाइज्ड ओविल एंड ऑप्शन डी सीड। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एम्ब्रायो। क्वेश्चन नंबर 70 कैस्मोगैमी रेफर्स टू द कंडीशन वेयर, कैस्मोगैमी किस कंडीशन को कहा जाता है ठीक है, या कौन सी कंडीशन है जहाँ पे, ऑप्शन ए फ्लावर्स रिमेन क्लोज, उस कंडीशन का जहाँ पे फ्लावर हमेशा बंद होते हैं, ऑप्शन बी फ्लावर्स आर एब्सेंट, फ्लावर्स हमेशा एब्सेंट होते हैं,
ऑप्शन सी फ्लावर्स आर ओपन, फ्लावर्स खुले होते हैं, एंड ऑप्शन डी फ्लावर्स आर गैमेपेटलस, गैमोपेटलस और फ्लावर्स क्या होते हैं फ्यूज्ड होते हैं। करेक्ट आंसर है 17 का सी कैसमोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ओपन इन सेम बाईसेक्सुअल प्लांट्स लाइक कॉमेलिना एंड बायोला। कैसमोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स विच नेवर ओपन थ्रू आउट द लाइफ आर फाउंड। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन सी चीज़ कॉमन है? ऑप्शन ए बॉथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकॉट प्लांट्स, ऑप्शन बी बॉथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, ऑप्शन सी बॉथ अकर राउंड द ईयर, एंड ऑप्शन डी बॉथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, बॉथ आर एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच गिव्स द प्रोजेनी जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट। क्वेश्चन नंबर 19, इमेस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन फ्लावर्स आर। इमेस्कुलेशन की आवश्यकता कब नहीं पड़ती? जब फ्लावर कैसे होते हैं? ऑप्शन ए बाइसेक्सुअल होते हैं, ऑप्शन बी इंटरसेक्सुअल होते हैं, ऑप्शन सी यूनिसेक्सुअल होते हैं, ऑप्शन डी आइदर ए और बी, या तो ए या तो बी। तो करेक्ट आंसर है 19 का सी इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर हैग्ड बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव पोलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर रीबैग हेंस देयर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन इन दिस फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 20, गिटनोगैमी इन्वॉल्व्स। गिटनोगैमी में क्या होता है? ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। फ्लावर का जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम दूसरे फ्लावर के पोलन से, मतलब एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के पोलन से जब फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के पोलन से फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्लावर का। ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अदर प्लांट इन दिस सेम पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन के दूसरे प्लांट के फ्लावर से जब फर्टिलाइजेशन होता है। एंड ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू अ डिस्टेंट पॉपुलेशन। ठीक है, फ्लावर का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वह दूसरे प्लांट का है, वो भी अलग पॉपुलेशन का है। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गिटनोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। तब एक ही फ्लावर प्लांट के अलग फ्लावर से के पोलन से फर्टिलाइजेशन होता है, उसे गिटनोगैमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए स्पोरोपोलिन कैन बी स्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रांग एसिड्स। स्पोरोपोलिन हाई टेम्परेचर को तो झेल सकता है लेकिन एसिड को नहीं झेल सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को नहीं झेल सकता। ऑप्शन बी स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेडेड बाई एंजाइम, स्पोरोपोलिन को एंजाइम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन सी स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, स्पोरोपोलिन पोलिनिन इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। एंड ऑप्शन डी स्पोरोपोलिन कैन बी विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। स्पोरोपोलिन हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली सभी को झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एसेशन रिजल्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 22 से 24 के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 22, इफ पोलन मदर सेल्स हैज 42 क्रोमोजोम्स। अगर पोलन के मदर सेल में 42 क्रोमोजोम्स हैं, द पोलन हैज ओनली 21 क्रोमोजोम, तो पोलन में केवल 21 क्रोमोजोम होंगे। रीजन, पोलन्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस इन पोलन मदर सेल। और पोलन का जो फॉर्मेशन होता है उनके पोलन मदर सेल में मियोसिस होने के बाद होता है। तो करेक्ट आंसर है एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 23, एसर्शन द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 4 स्पोर्स। जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो माइटोटिकली डिवीजन होता है और 4 स्पोर को प्रोड्यूस करता है। रीजन, मेगास्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉयड एंड मेगास्पोर इज हैप्लॉयड। क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और मेगास्पोर क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। यह क्वेश्चन 2002 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो असर्शन है वह गलत है और रीजन सही है। मेगास्पोर मदर सेल इज अ प्रोमिनेंट सेल इन द न्यूक्लियस, इट डिवाइड्स बाय मियोसिस एंड फॉर्म्स अ रो ऑफ 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर टू गैदर हनी। इंसेक्ट्स हनी गैदर करने के लिए फ्लावर को विजिट करते हैं। रीजन है, अट्रैक्शन ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स द इंसेक्ट फ्रॉम डैमेजिंग अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। फ्लावर का जो अट्रैक्शन होता है वह इंसेक्ट को प्लांट के दूसरे पार्ट को डैमेज करने से रोकता है।
यहाँ पे एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, बिकॉज हनी वी विजिट फ्लावर्स टुगेदर नेक्टर एंड टर्न इट इंटू हनी, विजिटिंग ऑफ इंसेक्ट्स फॉर नेक्टर हेल्प इन पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन आया था 2004 में। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए चार ही ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। असर्शन, पॉलन मदर सेल आर द फर्स्ट मेल गेम टू फाइट सेल। पॉलन मदर सेल जो होता है वह पहला मेल गेम टू फाइट सेल है, गेम टू फाइट एक सेल है। रीजन, इच पॉलन मदर सेल गिव्स राइज टू टू पॉलन, और प्रत्येक पॉलन मदर सेल दो पॉलन को जन्म देता है। तो यहाँ पे असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, बिकॉज प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल गिव्स राइज टू माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल, दे आर स्पोरोफाइटिक इन नेचर, इट मीन्स डिप्लॉयड दीज सेल्स अंडर गो मियोसिस रिडक्शन डिवीजन विच गिव राइज टू फोर माइक्रोस्पोर आर पॉलन एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर आर पॉलन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ द गैमेटोफाइटिक फेज एंड दे आर हैप्लॉयड इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन, कैस्मोगैमस फ्लावर्स रिक्वायर्स पॉलिनेटिंग एजेंट। कैस्मोगैमस फ्लावर्स को पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। रीजन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स डू नॉट एक्सपोज दियर सेक्स ऑर्गन, क्योंकि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं अपने सेक्स ऑर्गन को एक्सपोज नहीं करते हैं। तो कैस्मोगैमस, ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, डबल फर्टिलाइजेशन इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। रीजन, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स टू फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन में दो फ्यूजन शामिल होते हैं। तो एसर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एसर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डबल फर्टिलाइजेशन जो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, इट इन्वॉल्व्स टू फ्यूजन इन विच वन फीमेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल टू फॉर्म जायगोट एंड अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्राइप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन, एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड इट इज ट्रिप्लॉयड। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है और ट्रिप्लॉयड होता है। रीजन, एंडोस्पर्म इज फाउंड बाई फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस टू सेकेंड मेल गैमेट, इट इज यूज बाई डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।